कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल का नाम है फालतू गेमर और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के मिथ बस्ट या कन्फर्म। देखते हैं कौन सा मिथ सही होगा या कौन सा मिथ गलत हो गया। रुको एक बात तो बताना भूल गया, ये सब मिथ होंगे 1.20 की जो कि अपना नया नया अपडेट आया माइनक्राफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मिथ है कि अगर हम किसी भी वर्ल्ड का नाम रखेंगे चेरी ब्लॉसम, नया नए वर्ल्ड का जब बना रहे होंगे किसी भी वर्ल्ड का नाम रखेंगे चेरी ब्लॉसम, तो हम चेरी ब्लॉसम बॉय में स्पॉन होंगे। तो चलो देखते हैं इसे। मैंने वर्ल्ड को क्रिएट के लिए वो कर दिया, चलो क्रिएट करते हैं अब। तो अपना ये वर्ल्ड हो चुका है क्रिएट और ये है अपने नॉर्मल बॉय में। तो सबसे पहला मिथ हमारा बस्ट हो चुका है और बगल में पिलेजर आउटपोस्ट है। अच्छा वो ये मेरी सर्वाइवल सीरीज नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मेरा हाल खराब हो जाता। अब हमारा दूसरा मिथ है कि अगर हम कैमल का नाम जेब रख देंगे, याद होगा अगर हम सीप का नाम जेब रखते हैं आगे अंडरस्क्वायर लगा के, तो उसका कलर बार बार चेंज होने लग जाता है, एकदम मानो तो रेनबो जैसा होने लगता है। तो अगर हम इसका नाम जेब रखेंगे तो इसका भी होने लग जाएगा। तो इसका तो नहीं हो रहा, मिथ बस्टेड है। वैसे चेक कर ले सीप का होता है ना। हाँ भाई इसका कलर तो रेनबो जैसा हो रहा है, हर एक सेकंड पे बदल रहा है। वाह भाई वाह, क्या ही माइनक्राफ्ट लॉजिक है। तो हमारा अगला मिथ है कि अगर हम कैमल को 50 ब्लॉक यानी कि 50 ब्लॉक ऊपर से अगर हम उसके ऊपर बैठ के कूदेंगे तब भी हम जिंदा बच जाएंगे। रुको जा, हल्का सबर करो, सर्वाइवल में जान दो यार। तो मैं इस बार दूसरी जगह पे आ गया हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट हो गई गलती से। तो दूसरी जगह पे करते हैं, वही 50 ब्लॉक की हाइट ले लिया मैंने। अब देखते हैं वो मरता है कि नहीं, देखते हैं अब। लेट्स गो, अब देखते हैं ये क्या बच पाएंगे जिंदा। मैंने इसे कुदा दिया है भाई। 50 ब्लॉक की भी हाइट पे नहीं, पेड़ पे गिर के मर गया मैं। यहाँ क्या चल रही है, मैं नहीं खेल रहा भाई ये गेम, मैं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं खेल। तो गाइस बात ऐसी है ना कि ये माइनक्राफ्ट वाले मेरे को हाथ पैर जोड़ने लग गए थे इसलिए आ गया मैं, नहीं तो मैं क्या खेलूँ ये छोटी मोटी गेम। अगले मिट पे चलते हैं अपने। अगला मिट है कि हमें ये कैमल हर मॉब से बचा सकता है, लिटरली हर मॉब से। मैं आ जाऊँ क्या? तो मैंने यहाँ पे कई सारे स्पॉन कर लिए ज़ॉम्बी, अब मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल में लिटरली भाई। यह हमें हर मॉब से बचा रहे हैं, हर मॉब से सॉरी ज़ॉम्बी से बचा रही है हमें। हर कितने सारे ज़ॉम्बी हैं इसके ऊपर, तो बैठ के हम ऐसा मारते रहो ज़ॉम्बियों को, कोई भी दिक्कत नहीं है मारते रहो। तो इसके बाद हमारा अगला में देखिए हमारा जो कैमल वो हमें वार्डन से भी बचा सकता है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कैमल को मारने से पहले हमारा वार्डन हमें ही मार देगा। तो देखते हैं, और इसने मुझे ही मार दिया पहले तो मिट बसते। तो अब हमारा अगला मिट है कि अगर हम किसी भी लेडर के आर्मर को डाई करते हैं कॉलरन में, आपको पता होगा कुछ इस तरह से डाई कर लेते हैं। अगर मैंने ये रेड वाली डाई डाली ठीक है, ये डाले और लेडल पैंट डाले ठीक है, ये हो गया अपना डाई ठीक है। अब ये तो हो गया अपना रेड कलर में हो गया। अब इसी कलर को हम वापस से उतार भी सकते हैं, नया मिठाई है ये नॉर्मल पानी कर दिया मैंने और ये डाला। अब डालते हैं, अबे डालना हो गया, ये डाले मैंने और ये लिटरली हो चुका है इसका कलर सिंपल, देख सकते हो इसका कलर सिंपल हो चुका है। तो हमारा अगला मिट भी इसी के ऊपर है, अगर हम इसी को कलर वो कर दे इसका कलर वो सेम, तो फिर हम इसे ओवरलैप भी कर सकते हैं इसके कलर को। तो भाई ये तो मिट बचते है, मेरे को पहले ही लग रहा था इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बेड के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ओके तो ये बेड के साथ तो हो चुका है, तो ये मिट तो कंफर्म है क्योंकि बेड का कलर चेंज हो चुका है जाहिर से। तो आप भी जाके ट्राई करो इस मिट को। तो अब हमारा अगला मिट है कि ये जो नई ऐड हुई है बैम्बू राफ्ट 1.20 में, ये फास्ट है हमारी नॉर्मल बोट से मुझे लग तो रहा है। अब चेक करते हैं, साइड में मेरे से हो सकेगा तो स्टॉप वॉच लगा दूंगा, मैं गिनते रहता हूँ टाइम इसका। गाइज वैसे तो आपने दोनों का टाइम देख लिया होगा, बैम्बू राफ्ट का भी और उसका भी, लेकिन विनर कोई नहीं है, दोनों का टाइम सेम है। तो गाइज हमारा अगला मिट भी वापस इस बदसूरत शकल वाले कैमल का है। वैसे बदसूरत शकल का तो नहीं है, अच्छा कैमल है यार। भाई इसके कान भी हिलते हैं भाई, देखा आपने, देखा अभी देखो वापस। तो हमारा मिट ये है कि अगर हम कैमल को 50 ब्लॉक की हाइट से गिराएंगे तो वो सरवाइव कर पाएगा। पिछली बार तो मेड को बैठा के नहीं कर पाया था, इस बार भी नहीं कर पाया, तो मिट बस्टेड। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम, बाय बाय। यही सोचे ना कि यही बोल के निकल लूंगा, मैं निकल लिया, लेकिन माना ये वीडियो बहुत छोटी सी, ये वीडियो का डी एंड है। कोई बात नहीं, मैं बस 10 लाइक का एम करता हूँ, 10।
उतने भी हो नहीं पाते, 4 लाइक नहीं हो पाते। भाई 10 लाइक करवा दो, मैं इससे लंबी वीडियो ले आऊँगा और अच्छी वीडियो ले आऊँगा, बिल्ड हैक तक की वीडियो ले आऊँगा जिसमें नलका तक बना दूंगा। तो आप लोग बस इस वीडियो पर लाइक का बटन दबा दो, फिर ले आएंगे 2 अच्छी अच्छी वीडियो। और क्या मेरे को सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए बताओ कॉमेंट्स में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय जय श्री राम।